हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। सो आज हम लोग एपिसोड नंबर 3 लेके आ गए मोशन इन अ प्लेन के ऊपर, जिसमें हम लोग ये सारा कंटेंट को कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाला 2 एपिसोड आपको देखा हुआ होना चाहिए, तभी आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको क्लियर समझ में आएगा। पिछले बार हम लोग जो AI EEE में जो क्वेश्चन आया था वो हम लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है हम लोग को, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला डेराइव भी करना है। 11th क्लास में ये फॉर्मूला हमेशा आता है, मतलब इसका डेरिवेशन आता है। जो जो 11th का पार्ट होगा, मतलब इंपॉर्टेंट होगा, वो भी हम बताते चलेंगे, और बाकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट से क्वेश्चन भी आता है, और फिर हम लोग कुछ स्पेशल केस लेंगे, ये कंटेंट है आज का। उसके बाद फिर ये रिजल्टेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, R² = P² + Q² + 2PQ cos थीटा, इसका भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे यूजिंग ट्राइंगल ऑफ एडिशन। कौन सा रूल? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तुम बताओ? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? नहीं आई थी तो इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि तुमको वो आता था इसलिए तुम नहीं आया। तुम बताओ बाबू, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? बैठ के आराम से बताना है सोच के। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ बताओ, हिंदी में बताओ, अंग्रेजी नहीं चाहिए हमको, बस बताओ होता क्या है, ये बता दो खाली। हाँ, अपोज नहीं कर, अपोजिट होता है। ठीक है, ठीक, सही सही। तुम लोगों को नहीं मालूम होगा बाबू, एब्सेंट था तुम लोग। चलो ठीक है, हम ट्राइंगल लॉ 2 मिनट बताते हैं। और अगर तुम वेक्टर ठीक से नहीं देखो, मोशन इन अ प्लेन नहीं है ये जो पढ़ा रहे हैं, ये नॉट मोशन इन अ प्लेन, अभी वेक्टर्स चल रहा है। हालांकि NCERT में वहां पर लिखा है मोशन इन अ प्लेन, और ये सारा पढ़ा रहा है। मोशन इन अ प्लेन तभी समझ में आएगा जब ये सारा कवर होगा, मतलब ये सारा टॉपिक पढ़ने के बाद। मोशन इन अ प्लेन के अंदर 2 ही टॉपिक पढ़ना है, एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वही 2 टॉपिक बस पढ़ना है ना। तो अभी देखो बाबू, अगर तुम ठीक से वेक्टर नहीं पढ़ेगा तो तुम्हारा दिल ऐसा हो जाएगा बाबू, टेढ़ा ऐसे, बीमारी जैसा। ठीक है, तो इसलिए ठीक से पढ़ो बाबू, तब तुम्हारा दिल भी एकदम सीधा सीधा रहेगा, है ना, इसलिए बनाए थे। ठीक, चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है ना, तो उसका डेरिवेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ट्राइंगल लॉ। मतलब ट्राइंगल लॉ थोड़ा सा समझा देते हैं साइड में, ताकि तुम ये डेरिवेशन समझ पाओ। ठीक है, देखो क्या होता है एक्चुअली में। जैसे मेरे पास ये एक वेक्टर है बी, ये एक वेक्टर है बी, और दूसरा एक और वेक्टर है मेरे पास ए। अच्छा, एक चीज़ पे ध्यान दो, ये एरोज़ तुम लोग रोड में भी देखी होगी, ऐसे एरो दिया तो इंसान सीधे जा रहा है बाबू, ऐसे कभी नहीं दिया रहता, क्योंकि ऊपर तो नहीं जा सकता है बाबू, सीधे गाड़ी चलाएगा ना। तो ऐसे एक एरो दिया हुआ बाबू, एंजल पे तो नहीं ना बाबू, ऊपर उठ जाएगा, सीधे जाएगा ना। तो एक एरो ऐसे, हाँ बोल रही है वो और एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे। तो इन दोनों का अगर हमको आंसर निकालना है, तो जो हम एरो देंगे उसको ऐसे देंगे, और इसी को बोलेंगे रिजल्टेंट। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, काहे ये सब पढ़ना है, देख उसका रीजन समझ। यहाँ पर जैसे मान ले भाई, एक ब्लॉक है, ये क्या है, ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या होता है, एक भारी भरकम चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल ये हेलमेट, ये हेलमेट को भी तुम ब्लॉक बोल सकती हो, ये बनाने का तरीका हुआ। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा ना, जैसे मान के चलो कि 500 ग्राम होगा, हाँ 500 ग्राम होगा, 500 ग्राम नहीं, ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक का हम मास ले रहे हैं 5 kg। कितना ले लिया मास? 5 kg, 5 kg का ब्लॉक है। अब इस पे एक इंसान फोर्स लगाया ऐसे करके, मान लीजिए फोर्स लगाया 5 न्यूटन, कितना लगाया 5 न्यूटन, और एक और इंसान है वो भी फोर्स लगाया, वो फोर्स लगाया बाबू 2 न्यूटन। तो दोनों का इफेक्ट किधर आएगा? इफेक्ट, इफेक्ट मतलब आंसर, दोनों का आंसर इस तरफ आएगा। भाई यहां देख, तेरे लिए समझा रहे ट्राइंगल लो, दोनों का ये जो इफेक्ट है वो किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो आंसर तू लिखेगा क्या बता, 5 + 2 कितना लिखेगा, 7 न्यूटन। तो ये 7 न्यूटन क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मतलब होता है 2 वेक्टर जो कि अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन दोनों का आंसर, उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। देखो एक आदमी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ आया, कि वो ऐसे गया। रिजल्ट ऐसे आ सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, उस तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे थोड़ी आएगा बाबू रिजल्ट। इसीलिए ट्राइंगल लॉ जो है, नियम है एक फिजिक्स का, जो कि ये बताता है कि 2 क्वांटिटीज अगर ऐसे ऐसे जा रहा है, उसका रिजल्टेंट को आप ऐसे मत दीजिए, कैसे दीजिए, उसका उल्टा। उल्टा दिख रहा है तुमको, ये लास्ट में कोई अपोजिट वर्ड बोली थी, देखो वो चीज दिखाई दे रहा है तुमको यहां पर, ये ऐसे वो ऐसे, लेकिन ये ऐसे है क्या, नहीं 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 नहीं, उल्टा ऑर्डर में है, इसी को ट्राइंगल लॉ बोलते हैं। अब तुम लोग उस दिन क्लास की नहीं थी, इसलिए ये वाला एब्सेंट हो गया तुम लोग के लिए। अब इससे ना एक फॉर्मूला निकलता है, क्या निकलता है, एक फॉर्मूला, क्या निकलता है फॉर्मूला, अभी लिखे भी थे हम यहां पर। हाँ बोलो क्या, हाँ चलाएंगे चलाएंगे, पहले समझ लो, जो पहले मेन बात समझ लो, फिर चला दिया जाएगा पंखा जब लिखने का टाइम दिया जाएगा। तो R² = A² + B² + 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला निकलेगा रिजल्टेंट को निकालने का। मतलब यहां पर A और B 2 वेक्टर है ना, तो इन दोनों से ये आ रहा है रिजल्टेंट। जैसे यहां पर आंसर क्या निकाले, 7 न्यूटन।
तो वैसे ही ये ए और बी को सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा ना, तो वो आंसर हम लोग निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। अब यहां पर ए भी लिखा हुआ है ना, तो पी क्यू भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो पहले एक काम करो तुम लोग कि हेडिंग हेडिंग जो था रिजल्टेंट, यहां पर लिखते हैं हेडिंग हम, है ना, डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट, डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट, डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट आर। ये जो रिजल्टेंट तुम लोगों को दिख रहा है ना, जिसको आर से डिनोट कर रहे हैं, उसका डेरिवेशन करना है। तो उसके लिए पहले एक काम करो, ये ट्राइंगल बनाओ और ये फॉर्मूला लिखो, फिर इसको हम लोग ड्राइव करते हैं, आराम से प्रूफ करते हैं इसका। और ये 100% तुम्हारा जो टर्मिनल एग्जाम है उसमें आएगा, ये आएगा फाइनल एग्जाम में भी आएगा, ये वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है, हमेशा आता है, लिखो इसको। जितना भी स्कूल है, अलग 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 स्कूल सबका, मतलब कि क्वेश्चन पेपर जो होता है फाइनल एग्जाम का, उसमें ये वाला इस वाला का डेरिवेशन जरूर दिखता है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, इसलिए करवा रहे हैं अभी। आगे देखो, अभी यही ये वाला डायग्राम से भी कर सकते हैं डेरिवेशन। और एक और डायग्राम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। देखो इसका डायग्राम क्या बनता है, मतलब ये फॉर्मूला ड्राइव करने वाला है बाबू, है ना। तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ, आराम से पहले देख लो, समझ लो, लिखने का समय दिया जाएगा। इसको समझने का ज्यादा कोशिश करना, बहुत लोग रट लेता है इसका, सर तो हम रट के चल जाएंगे, रटो मत, समझने की कोशिश करो कैसे हो रहा है, ठीक है। यहां पर पैरेललोग्राम जानता ही होगा कैसा होता है, उसका फिगर ऐसा बनता है कुछ, पैरेललोग्राम देखो इसी टाइप का फिगर दिखेगा अभी, ठीक है। यहां पर हम ले लिए बी, यहां पर चलो ए ले लेते हैं, तुम कुछ भी ले सकता है, हम यहां पर ले ले रहे हैं ए, तुम यहां बी भी ले सकता है, उससे दिक्कत नहीं। और हम इस तरफ ले रहे हैं, इस तरफ ले रहे हैं बी, क्या ले लिया इस तरफ बी। और तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा, जो कि यहां पर देखो लिखा है फॉर्मूला में, जो ड्राइव करना है उसमें थीटा यहां दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको एक काम करते हैं कि यहां पर डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ऐसे करके, ऐसे डॉटेड लाइन कर लिए। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, जैसे देखो बाबू ये ट्राइंगल लॉ, कंफ्यूज नहीं होना, ये था ट्राइंगल लॉ। अच्छा, तुम अगर इसको यहां शिफ्ट करो, ठीक से देखना, इसको अगर यहां घसीट के ले आओ, ये वाले को यहां ले आओ पैरेलली ऐसे करके, तो ये ए कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, फिर इसको यहां ले जाओगे तो यहां पहुंच जाएगा। तो देखो वही वाला फिगर दिख रहा है, उसी टाइप का, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है दोनों, हाँ, लेकिन ये पैरेललोग्राम बन रहा है और उसमें ट्राइंगल जैसा बन रहा था, लेकिन दोनों सेम बात है, दोनों से आंसर सेम आता है, दोनों से आंसर सेम आता है, पैरेललोग्राम से भी और ये ट्राइंगल वाला फिगर से भी सेम आता है। तो अभी हम इससे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका रिजल्टेंट कहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे एग्जैक्टली, क्योंकि देखो बीच में, तो रिजल्टेंट यहां पर बनेगा ऐसे करके, ये रिजल्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखना एक चीज ध्यान से जरा, यहां पर तुमको एक अलग फिगर दिख रहा है, ये कंस्ट्रक्शन किए हम बाबू, फिगर खत्म हो गया, देखो फिगर, दिस इज द फिगर, ये कंस्ट्रक्शन हम अलग से किए। और ये कौन सा फिगर बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का ना नेमिंग कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं पी, इसको ले लेते हैं क्यू, इसको ले लेते हैं आर। और अब देखो पैरेललोग्राम तुमको साफ साफ दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम ये रहा बाबू, और ये अलग से मेरा कंस्ट्रक्शन, मेरा अपना। अब ये थीटा है, तो ये कितना होगा एंगल ऑन द सेम लाइन, टेंथ में पढ़ा होगा ये, अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा है तो यहां भी थीटा बनेगा, एंगल ऑन द सेम लाइन, ठीक। अब यहां पर ना हम अपने से, अच्छा इसके बारे में, यहां पर ना एक और एंगल बना रहता है किताब में बीटा, अब ये क्यों बना रहता है बीटा, अल्फा भी हो सकता है लेकिन बीटा लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है बताया जाएगा थोड़ी देर में, अभी इसको भूल जाओ, क्या बोल रही हो, मतलब यहां बीटा तो यहां बीटा वो बोल रही हो, यहां थीटा तो वहां थीटा, कहना क्या चाहती हो, अच्छा यहां बीटा तो यहां बीटा, हाँ इधर वाले में, हाँ तो बताइए है, ये बोल रही है सर यहां बीटा तो यहां भी बीटा, लेकिन उससे कोई काम नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, फिजिक्स समझने के लिए बीटा यहां बनता है, क्यों बनता है उसका रीजन बाद में बताएंगे, पहले ये फिगर समझ में आया, ठीक है। अभी हमको प्रूफ करना है ये वाला फॉर्मूला, अब देखना ये बीटा दिख, ये बी दिख रहा है, अगर ये बी है तो ये कितना होगा, गलत गलत बोल दिया, अगर ये बी है तो ये बी होगा ना, पैरेलल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये तो हम अपने से बनाए हैं रे, तो यहां ना बी होगा, हैं बोले ओ सर यहां तो वेक्टर लगाएं, यहां नहीं लगाएं, कोई बात नहीं, देखो हम ऐसे कर लिए, देखो बी वेक्टर था ना, ओ सर ये सब मिटा देते हैं, बी वेक्टर था ना, तो अगर उसका हम ऐसे मॉड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा बी। अब ये मॉड के बारे में पहले ही बताया जाता है, कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जब ऐसे किसी भी वेक्टर के ऊपर ऐसे मॉड लगाते हैं तो ये एरो हट जाता है और वो वेक्टर क्या बन जाता है, स्केलर बन जाता है, क्लियर है। तो यहां पर अब ये बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बताओ। अच्छा ये ए है तो ये भी कितना होगा, चलो उसका काम नहीं, काम है यहां पर बी को, ये बी तो ये भी, ये वाला बी नहीं होगा, ठीक है बोलो, ये बी था तो ये बी कैसे हुआ,
भाई इस किसका मॉड ले ले, तो इसका मॉड ले लेगी तो बी बन जाएगा। प्रॉपर्टी है ये वेक्टर का कि किसी भी वेक्टर का मॉड लेने से उससे जो वेक्टर साइन है वो हट जाता है, वो स्केलर बन जाता है। बाबू तुम यहाँ आ जाओ, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तुमको, नहीं आ रहा समझ में, उससे देखो तुम अभी बात कर रही थी, दिख नहीं रहा तो वहाँ बैठो, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ पर, ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? अब देखना, अब देखना ध्यान से, हमको ये ड्राइव करना है तो उसको रटवा नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, हमको ये चाहिए ना। यहाँ पर तुमको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ट्राइंगल, ये कौन सा नाम लिखते हैं यहाँ पर? अच्छा इसका ना ओ लिख देते हैं, इसको इसका नाम लिखते हैं इस ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल। प्रूफ शुरू हो गया है, इन ट्राइंगल ओ, ये आर मत लो इसको, तो आर ऐसे ही गलती से हम लिख देते हैं, इसको हम ले लेते हैं एक्स, ओ एक्स क्यू, दिख रहा है ओ एक्स क्यू, ठीक है। ओ एक्स क्यू में अगर हम लगाएं पाइथागोरस थ्योरम तो ये एंगल कितना है 90 के सामने, ये क्या होगा और ये भी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। लेकिन अभी हम किस ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, बड़े वाले ट्राइंगल का, नाम देख, तो इसलिए हम बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं। बोलेगा सर पाइथागोरस का क्या जरूरत, भाई ठीक से देख यहां क्या लिखा है, आर स्क्वायर, मतलब कि ये वाले का क्या करना है स्क्वायर, और ये वाले का स्क्वायर तभी होगा जब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइप, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं ना, कमिंग उधर से जाना बाबू, उस तरफ से तुम थोड़ा सा हट जाना बाबू, जाने दो लोगों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तुमको नहीं दिख रहा है तो वहां बैठ जाओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला मालूम है, हाइपोटेनियस ये वाला है, ये वाला, तो इसको क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है, है? चलो अभी हम लोग को ये बताइए इस फिगर में परपेंडिकुलर कौन है, जल्दी से बताओ इस फिगर में कौन सा, में ओ एक्स क्यू उसमें परपेंडिकुलर कौन है, हाँ एक्स क्यू परपेंडिकुलर है, ये नहीं, ये थोड़ी है, ठीक है, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखेंगे एक्स क्यू का स्क्वायर, आदर्श आवाज मत करो, एक्स क्यू, क्या ये एक्स क्यू पर, ये एक्स क्यू का वैल्यू मालूम है हमको, अननोन है, ठीक है, प्लस बेस कौन है, हाँ ये पूरा बेस है, तो उसको लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर। अच्छा ओ क्यू मालूम है हमको, चलो अभी हमको जरा अभी ये बताएगा मेरा दोस्त कि ये जो ए वेक्टर लिखा हुआ है ये यहाँ तक है या ये पूरा है, हाँ यहाँ तक है ए वेक्टर, तो मतलब मॉड ऑफ ए या ए वेक्टर मॉड ऑफ ए लग ली है ना, तो मॉड ऑफ ए लेने से ये क्या बन जाएगा ए, जो कि यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है। तो अगर हम बात करना चाहेंगे ओ क्यू का, तो ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी क्यू, ए प्लस पी क्यू। अब देखो बाबू इसमें एक और कष्ट, अगर तुम ओ क्यू को यहाँ डाल दिया तो ए तो ठीक है, ए तो यहाँ भी दिख रहा है तो मतलब ठीक है, लेकिन ये पी क्यू ये तो मालूम ही नहीं है, समझ में आ रहा है मेरा बात क्या बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है, तो ये पहले एक्स क्यू नहीं मालूम वो निकालना होगा, ओ क्यू का झमेला वो भी सॉल्व करना होगा, तो उन दोनों को रिजॉल्व करने के लिए ये ट्राइंगल हम बनाए अलग से। तो इसको एक काम करते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, तुम लोग इतना लिखो अभी, ठीक है, ये सिंस करके साइड में लिखना, अभी इतना बस लिखो, ठीक है, ये फिगर बनाओ ये लिखो, और ये सब नहीं लिखना है तो समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये वाला लिखना है, उसके बाद हम बताते हैं कि ये एक्स क्यू और ओ क्यू कैसे निकलेगा, ठीक है, लिखो। आगे यहाँ पर हम लोग अभी पहले एक्स क्यू और ओ क्यू ये निकालने का सोचेंगे, ठीक है, चलो इस तरफ देखते हैं भाई, तो हम लोग पहले एक्स क्यू किस में है, एक्स क्यू इस ट्राइंगल में है, तो पहले हम लोग बात करेंगे इन ट्राइंगल पी एक्स क्यू या फिर पी क्यू एक्स है ना, इस ट्राइंगल में हमको अगर निकालना है एक्स क्यू तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब रेशियो वाला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, नहीं नहीं मत करो वैसे, मत परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये है थीटा के सामने वाला, यानी परपेंडिकुलर हम लिखेंगे एक्स क्यू, देखो एकदम सही जा रहा है, और हाइपोटेनियस यानी 90 के सामने वाला, यानी कि हाइपोटेनियस कितना है बी, है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस बी, तो यहां से एक्स क्यू कितना आ जाएगा, यहां से एक्स क्यू अगर निकालोगी तो ये बी को इधर भेजोगी तो एक्स क्यू आ जाएगा बी साइन थीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, कोई कष्ट नहीं होगा बाबू इसमें, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। अब इसी ट्राइंगल से हमको देखो तुम बोलेगा सर ओ क्यू निकालना, अरे ओ क्यू को तो पता है, देख यहां पर ओ क्यू का वैल्यू ए, पी क्यू नहीं मालूम है ना, पी क्यू कहां है, यहां है, तो ये पी क्यू निकालते हैं आओ, और पी क्यू भी किस ट्राइंगल में है, इसी ट्राइंगल में, तो एक बार तुम साइन थीटा से काम की, अब एक बार कॉस थीटा से करके देखो, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर लिखना पड़ेगा सिंस, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर बोल रहा था,
तो यहां से बेस जो है इस ट्राइंगल में बेस कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये वाला बेस होगा। तो बेस हम लोग लिखेंगे पी क्यू, और हाइपोटेनियस यानी कि 90 के सामने वाला, यानी कि कितना, बी। तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो एक्स क्यू और पी क्यू है, ये दोनों को डाल दो बाबू यहां, ठीक है। एक्स क्यू और पी क्यू दोनों कैसे डालना है बताते हैं। अब देखो यहां पर लिखना पड़ेगा पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब चलो थोड़ा इक्वेशन 1 को हम लोग कायदे से लिखते हैं। कायदे से लिखने का मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू, जिसको ना समझ में आया डायरेक्ट बोलना है हमको, ठीक है। एक्स क्यू यहां पर ये रहा, एक्स क्यू यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ओ क्यू का वैल्यू कितना है, ए प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू की जगह हम लोग डालेंगे ए प्लस पी क्यू। देखो भाई ये ओ क्यू था, तो ओ क्यू का मतलब ए प्लस पी क्यू, और ये पी क्यू कितना निकाला है, तो यहां पर लिखोगी बी कॉस थीटा, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। देखो दिख रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, देखो यहां पर ये फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही है, ठीक है। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना है बस, इसको खोलेगा ये वाला जो फॉर्मूला लिखे थे हम रिजल्टेंट का, जो अभी लिखवाए थे, वो आ जाएगा अपने आप। तो यहां से हम लोग करते हैं इसको आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, ए बी। जिसको ना आए पूछो मेरे से, ये नहीं आया क्या समझ में किसी को, तुमको आया जी ये कि नहीं आया, तुम लोगों ये कष्ट है समझने में तुम लोग दोस्त, ठीक है आगे। ये तेरे को आया भाई, हाँ क्या, कहाँ पर, बी स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर होगा ना यहाँ पर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, क्योंकि ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, और फिर यहाँ पर प्लस टू ए बी, तो टू ये ए और ये पूरा कितना है बी, तो बी, ठीक है। अब आगे देखो इधर कर रहे हैं हम, ये सब बना लिया था तुम लोग भाई, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखना, इसके आगे का स्टेप कुछ नहीं करना है, आप तो होगी यार, आर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर, हाँ देखो इसमें भी बी, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी, बी स्क्वायर यहाँ भी, दोनों का अरेंज करके बाहर निकाल लिए, और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये वाला लास्ट वाला टर्म प्लस टू ए बी कॉस थीटा, कोई कष्ट नहीं। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, ये तो बाबू 2 क्लास में बताया गया था ना, हमको बताया गया था बाबू 2 क्लास में कॉस थीटा, तो ये हुआ तुम्हारा आर स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बचा, तो देखो ये जो लाना था वो ड्राइव हो गया, ठीक है। अब ये हम लोग किए यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोले सर ट्राइंगल लॉ से कुछ अलग होगा क्या, नहीं यही होगा, और एक्चुअली जो तुम पैरेललोग्राम बनाया था वो और कुछ नहीं ट्राइंगल ही था, कैसे अभी थोड़ा सा 2 मिनट बताएंगे हम, ठीक है। इसको पहले लिखो, उसके बाद ये बताते हैं ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम सेम सेम कैसे है, वो बताते हैं 2 मिनट। देख कैसे किए हैं इसको, यहाँ देख लेना देखो यहाँ पर ये जो लिखा है, ठीक है, इसमें आर स्क्वायर ऐसे ही लिखा हुआ है, उसके बाद देखो यहाँ पर ए स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या उस ए स्क्वायर को यहाँ हम लिख सकते हैं, बुरा मान जाओगे बोलो, वैसे ही लिखें ए स्क्वायर को। फिर तुमको ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, चल यहाँ लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो उसको लिखोगे प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लिए, यहां से बी स्क्वायर मिटा रहे, यहां से मिटा रहे, और बी स्क्वायर को यहां बाहर में लिख दिया, ठीक है। फिर यहां से देखो ये इसके जगह पे कितना लिख दिया, फिर हम इसके प्लेस पे कितना लिख दिया, 1। देखो फॉर्मूला यहां से भी आते दिख रहा है, समझ गई, ठीक। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि यही फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला अभी हम लोग किससे, अभी किससे ड्राइव किए इसको, पैरेललोग्राम लॉ से, मतलब एक खूबसूरत सा पैरेललोग्राम बनाए हम लोग, उसी से ड्राइव किए। ट्राइंगल से भी आएगा, देखो ट्राइंगल से कैसे होगा ट्राइंगल बना के दिखाते हैं बाबू, ये था पैरेललोग्राम, ऐसे करके था इधर ए, और इस तरफ ऐसे बाबू हम लोग बनाए थे बी, और यहाँ बीच से एक बनाए थे रिजल्टेंट आर, यही था, ठीक है। क्या हुआ आदर्श, परेशान दिख रहा है बड़ा, क्या होता, तो ये आर है ऐसे करके, और इसको इसे करके पैरेललोग्राम हम लोग बना दिए थे,
पैरेललोग्राम जैसा दिखना भी चाहिए, ये पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, ये देखो ये पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखना इससे ट्राइंगल निकल जाएगा, तुम इसको बाबू इग्नोर कर दो, किसको, ये वाले को, ये बी है तो ये कितना होगा, ये बी होगा क्योंकि ये वाला साइड आपस में क्या है पैरेलल, तो ये अगर बी तो ये भी कितना होगा बी, तो इसको हटा ले भाई, फिर इसको हटा दिए क्योंकि अब तो हमको जरूरत ही नहीं है उसका। बोलेगा सर जरूरत कैसे नहीं है, देखो अभी समझ में आएगा, ये हुआ। अच्छा ये रिजल्टेंट जो खींचे हैं वो किस तरफ है, रिजल्टेंट ऐसे है, ये क्या है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट और ये है बी, और यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, मत बोलना थीटा नहीं है, थीटा यहाँ पर जो एक और खींचा था उससे एंगल बन रहा था, ये थीटा नहीं है, ये एंगल बीटा है, ठीक है। अब देखो तुमको ये ट्राइंगल दिख रहा है और यहाँ पर फिर तुम क्या करोगी कंस्ट्रक्शन, यहाँ कंस्ट्रक्शन से एक और ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल, तो सेम वही फिगर नहीं आ गया। अच्छा यहाँ पर ये ट्राइंगल देखो बन रहा है, ये क्या बन रहा है ट्राइंगल, और उधर पीछे पैरेललोग्राम था, तो ट्राइंगल बोलो चाहे पैरेललोग्राम बोलो दोनों से वही रिजल्ट आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। बस उस पैरेललोग्राम को हटा के यहाँ पर ट्राइंगल निकल गया, तो पैरेललोग्राम के अंदर ही कौन है ट्राइंगल, ठीक है, बस तुम उसको नाम दे दिया ऊपर ऊपर पैरेललोग्राम लो, हालांकि है उसके अंदर ट्राइंगल ही। समझ में आ गया मेरी बात की नहीं समझ में आया, चलो ठीक। अब ये जो फॉर्मूला हम लिखे थे कहाँ, इसमें इसमें कैसे ज्वाइन किया, देखो यहाँ पर ऐसे ज्वाइन किया था ना, ये ऐसे था तुम्हारा ए और ये ऐसे कौन था बी और ये कौन था आर, तो तुम ये बोल रही है कि टेल से, हाँ वो फर्क है दोनों अलग अलग है लेकिन पैरेललोग्राम से ही कौन निकल रहा है ट्राइंगल, ये मेरा मतलब है। अगर तुम इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, अगर तुम इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा बी, और देखो ये क्या बन रहा है पैरेललोग्राम। अगर इस बी को यहाँ से हटा के, इस बी को यहाँ से हटा के कहाँ पहुँचा दो यहाँ, तो क्या बन जाएगा ट्राइंगल, ये मेरा मतलब हुआ, आया समझ में, ये मतलब। तो बुक में दोनों से करके दिखाया है, पैरेललोग्राम से भी और ट्राइंगल से भी, क्योंकि दोनों से आएगा भाई सेम रिजल्ट, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बाबू इसका स्पेशल केस का, किसका बात करेंगे स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केस वही जो फॉर्मूला लिखवाया गया रिजल्टेंट का उसी के लिए, स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है। देखो भाई पहला स्पेशल केस, केस नंबर वन, यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास है। अच्छा ये जो ए और बी लिखते हैं तुम बताना जरा हमको, हाँ तुम ही बताओ, जैसे हम लोग ये फॉर्मूला लिख रहे हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो इसमें ये ए और बी क्या है बताओ, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है जल्दी बताओ, अंधा और भकलोल, ए और बी है, ए का मतलब अंधा, बी का मतलब भकलोल, अंधा और भकलोल, ए और बी का मतलब क्या है, हैं पता नहीं हमको लगा कुछ आंसर दे रही है, तुम बताओ दोस्त दीपक, ए और बी क्या है, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ठीक है, तो सही बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेकिन है क्या, फिजिक्स क्या है उसका बाबू, दोनों फोर्स है, दोनों एक टाइप ऑफ फोर्स है, मतलब सर खाली फोर्स होगा नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ मतलब समझो, जरूरी नहीं हमेशा फोर्स होगा। ये जो फॉर्मूला है बाबू ये इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि तुमको ये ट्वेल्थ का हर चैप्टर में मिलेगा, जैसे ही तुम ट्वेल्थ में गया, इलेवेंथ में भी मिलेगा अभी आगे चल के बहुत बार, जैसे ही तुम ट्वेल्थ में गया बाबू, चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जितना चैप्टर है सब में ये तुमको हर जगह दिखेगा, ये इतना जरूरी फॉर्मूला है। और यहाँ पर ए और बी चैप्टर का जज्बात के हिसाब से बदलेगा, जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे, तो यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड के बारे, तो ए और बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ए और बी का मतलब बदलते जाएगा। लेकिन एक सबसे जरूरी बात कि ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, वेक्टर, ये सबसे जरूरी बात है, मतलब स्केलर नहीं हो सकता है। जैसे स्केलर का एग्जांपल दे भाई, कोई फिजिकल क्वांटिटी बताना, आलू और चीनी, वो सब नहीं बाबू, सब मालूम है, फिजिक्स का क्वांटिटी जो स्केलर हो, नाम बताओ, यहाँ बताए थे बहुत जरूरी हाईलाइट करके, हैं लेंथ, हाँ बिल्कुल, और करंट भी तो हो सकता है, यहाँ पर ये ए और बी कभी भी करंट नहीं हो सकता है क्योंकि वो क्या है स्केलर क्वांटिटी, हमेशा वेक्टर होगा ये दोनों। तो अभी हम ये मान ले रहे हैं कि ये ए और बी का मतलब है फोर्स, क्या मतलब है दोनों का फोर्स, तो चलो दोनों को एफ से डिनोट कर देते हैं, दोनों किसे डिनोट कर दिया एफ से। अच्छा एक चीज़ समझ लो कि ये ए और बी आपस में इक्वल नहीं ले रहे हैं हम,
दोनों का मतलब फोर्स बोल रहे हैं, लेकिन ए और बी आपस में इक्वल नहीं, मतलब दोनों का वैल्यू अलग अलग है। क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का वैल्यू 5 न्यूटन है तो बी का वैल्यू 5 न्यूटन हो सकता है? नहीं, बी का वैल्यू 5 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं लेंगे है ना, एक्सेप्ट जीरो। नहीं नहीं हम बोल रहे दोनों को बराबर नहीं है, देखो ये देख बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड के बारे में खाली बात करें, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या वेक्टर लगा है, नहीं तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा ये 5 न्यूटन तो ये इसको ले लिया मामलो कितना बाबू 8 न्यूटन, ठीक है। अब समझना, मान ले भाई ए ऐसे लग रहा है, ये ए का डायरेक्शन, और ये कौन लग रहा है ऐसे, बी, और दोनों मिलके इसको कहाँ ढकेलना चाह रहा है, आगे की तरफ। अब एक बात बताओ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री दिख रहा है साफ साफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहां पर ये फॉर्मूला हम लोग जो पढ़े हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसमें से स्क्वायर यहां से हटाओ और यहां क्या भेज दो, रूट। तो ये थीटा का वैल्यू कितना है? तो यहां थीटा कितना डालेगा तुम बता दोस्त, कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। फिजिक्स में बहुत सारा वैल्यू होता है, जैसे कॉस 90, कॉस 0, कॉस 180 डिग्री, कॉस 360 डिग्री, ये सब याद रखना पड़ता है, हम लिखवा देंगे, ठीक है, आज लिखवा ही देंगे वो सब जो फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, जो फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स में जो जरूरत पड़ेगा। टैन का भी वैल्यू का जरूरत पड़ता है, टैन 90 डिग्री, टैन 0 डिग्री, टैन 180 डिग्री, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, चलो हम लिखवा देंगे आज। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कोई दिक्कत है बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो यहां से ये cos 0 कितना हो गया, तो ये बचेगा सिर्फ, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई, किसका आवाज आ रहा है, आदित्य का, किसका आवाज, आदित्य का आवाज था, नहीं नहीं किसका, आदर्श का था, आदर्श बाबू आवाज क्या कर रहा है, आवाज मत करो, अभी आएगा तुम्हारे लाइक सवाल, थोड़ा देर में आएगा, ठीक है, चलो देखो। लेकिन एक बात है जी, बताएं क्या एक बात है, ये जो 11th क्लास जैसे शुरू होता है ना, तो उस समय स्टार्टिंग में बहुत लोग को देखते जुनून रहता है बाबू, लेकिन उसमें से जैसे 100% लोग हैं, तो उसमें से 5% ही लोग ऐसा रहता है जो अपना जुनून को लास्ट चैप्टर तक, मतलब जो लास्ट चैप्टर वेव हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर तक बनाए रखता है, उसमें से 95% लोग भटक जाता है, ठीक है, हाँ उल्टा भी हो सकता है बाबू उल्टा भी हो सकता है, अभी जुनून है बहुत कम है, आगे जाके और कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट मर जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, मतलब दोनों ऐड हो रहा है, मतलब ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू हमको मिला वो क्या मिल गया, मैक्सिमम, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी ऐड होता है तो उसका वैल्यू बढ़ता है, तो इस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू क्या मिला, मैक्सिमम। तो तुम लोग आज से याद रखना है कि जब भी दो क्वांटिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री बने, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। जैसे यहां पर ए और बी दोनों इसको ऐसे ढकेल रहा है, मान लीजिए ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना लिए थे 5, और बी का वैल्यू कितना लिए थे 8, तो 5 + 8 कितना होगा, 5 + 8 कितना होगा, 13 हो जाएगा, तो मतलब कि दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इस केस में कितना आएगा, 13 न्यूटन। ये तो बोलेगा सर ये सब फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं, हम तो सर ऐसे ही जोड़ देंगे, बोलेगा सर हम तो ऐसे ही जोड़ देंगे सर, 8, 5 और 8, 13, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाबू जरूरी नहीं है कि हमेशा इस पे दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाए। हो सकता है बाबू ऊपर से बाबू एंजल प्रिया गिर रही होगी, और बाबू उसका फोर्स ऐसे लगे बाबू, ऐसे आके ऐसे लगे बाबू, ये ए ऐसे लग जाए, बी ऐसे लग जाए, तब एंगल 0 डिग्री है, नहीं इस समय एंगल 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, तो उस वक्त ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। बाकी तुम इतना याद रखोगे जब 0 डिग्री होगा तो ये जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि ऐड होगा उस वक्त, क्लियर है? तो जल्दी से इसको लिख लो, है ना, फिर हम लोग और केसेस का बात करेंगे, और भी 3-4 केस है, और उस केस के भी बारे बात करेंगे जब यहां पर कोई रैंडम एंगल बनेगा, जैसे अभी एंगल 0 बन रहा है ना, थीटा एंगल बनेगा, उसके बारे बात करेंगे, ठीक है, बोलो क्या बोल रहा है, इसी में, मतलब किस में, लॉज ऑफ मोशन क्या बाबू, उसमें ऐसे उड़ा उड़ा के पढ़ाएगा स्कूल में, वैसे नहीं पढ़ा रहे बाबू, हम एक एक लाइन एक एक टॉपिक पढ़ा रहे डिटेल में एकदम, ठीक है, तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पढ़ रहा है, ऐसा लगेगा तुमको, फील होगा, आज ही से फील हो जाएगा, आज का जो क्लास करेगा ना पूरा उसी से फील हो जाएगा। एक बात समझना मेरा, यहां पर इसको मैक्सिमम बोलने का एक मैथमेटिकल रीजन भी है, ये ऐड हो रहा है वो तो ठीक है, कॉस 0 कितना हुआ,
कॉस जीरो का वैल्यू कितना, यहां लिखते हैं कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन। अब तुम पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लो कॉस थीटा का, कॉस का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लो, कॉस 360 डिग्री भी कितना होता है, कॉस यहां लिख देते हैं, कॉस 360 डिग्री कितना होता है वन होता है, कॉस 360 कॉस जीरो ये वन हुआ। वन से बड़ा वैल्यू आता है इसका कभी भी, खोज के दिखा दो इसका कॉस का जो किसी भी एंगल पे वन से बड़ा वैल्यू नहीं आ सकता है, कॉस का वन से बड़ा वैल्यू नहीं आ सकता, मतलब टू नहीं आ सकता है। जैसे तुम याद करो कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, ये वन से छोटा है या बड़ा है ये बताइए, अभी कोई नहीं बोलना, ये जो है रूट थ्री बाई टू ये वन से छोटा है या बड़ा है, वन से छोटा है। अच्छा कॉस 60 डिग्री कितना होता है वन बाई टू, तो ये जो भी है तुम कुछ भी ले लो कोई भी एंगल ले लो सब ये वन से क्या आएगा छोटा ही आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। बोलेगा सर हम 360 ले लेंगे, अरे तो 360 पे भी तो यही आएगा, नहीं समझा, इसको 360 लेगा तब भी तो यही आएगा, तो वही बोल रहे हैं ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू है, तुमको एंगल वाइज बता दिए। और दूसरा लॉजिक क्या है कि दोनों ऐड हो रहा है, और ये सिर्फ 11th क्लास में ही नहीं, जितना 12th में चैप्टर पड़ेगा हर चैप्टर में ये लॉजिक यूज होगा, और वहां मास्टर बता के चल जाएगा एंगल 0 डिग्री है इसलिए मैक्सिमम और आगे बढ़ जाएगा, तू ऐसे देखते रहेगा क्या बताया मास्टर, क्योंकि 12th में जाके बाबू सीरियस हो जाएगा ना। हाँ तो भाई अभी अभी जस्ट पढ़ा के आ रहे बाबू थोड़ी देर पहले, जितना बैच लिए सब में ये फॉर्मूला यूज हुआ, ठीक है, जितना बैच 12th का हो रहा है सब में ये यूज हो रहा है ये वाला फॉर्मूला। चलो लिखो इसको जल्दी, फिर हम लोग ये लिख लिया क्या, चलो हम लोग नेक्स्ट केस का बात करते हैं, नहीं लिखी वो, अच्छा लिखो 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 केस टू, केस नंबर टू, केस नंबर टू। अब हम लोग जो रिजल्टेंट है उसको मिनिमम करने का बात करेंगे, मतलब उसका वैल्यू को छोटा करने का बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट को मिनिमम करने का, तो देखो मिनिमम करने के लिए जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल समझना इधर, जैसे मान ले भाई इधर से हमको रिया खींच रही है बाबू, ठीक है ऐसे खींच रही रिया इधर से, और इधर से बाबू हमको एंजल प्रिया खींच रही है बाबू, बताओ हम किधर जाएंगे, कहीं नहीं ऐसे ऐसे होते रहेंगे। डिपेंड करता है बाबू फोर्स किसका बड़ा है, फोर्स किसका बड़ा है बाबू, ठीक है। चलो देखो तो इसका मास एम लिए, इधर से बाबू फोर्स लगा 8 न्यूटन, इधर से फोर्स लगा 8 न्यूटन, और इस तरफ से फोर्स लग रहा है बाबू 5 न्यूटन। ये मान ले ए और ये मान ले बी, अब बता भाई आंसर ये दोनों से आंसर किधर आएगा, किधर जाने वाले हैं हम है? इधर बाबू, ए का मतलब बाबू एंजल प्रिया ना, तो इधर जाने वाले बाबू हाँ, क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है। तो दो फोर्सेस जब एक ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो दोनों को तुम सब्सट्रैक्ट करता है, ऐसे 9th में बताया गया था, लेकिन क्यों करता है आज समझ में आएगा। जैसे तुम अगर इसका रिजल्टेंट निकालेगा, रिजल्टेंट समझती हो, रिजल्टेंट मतलब कि हमको खींचा गया बाबू इधर से और इधर से खींचा गया, मान लो हम उधर चल गया बाबू, ठीक है डिपेंड करता है कौन खूबसूरत है उधर, मतलब सॉरी तो मान लो बाबू इधर चल गए हम हैं, मान लो इधर चल गए, तो इधर चले गए उसका रीजन क्या था बाबू, खूबसूरती नहीं, क्या रीजन था उसका, फोर्स कि कौन सा फोर्स ज्यादा है। तो तुम उसके लिए ऐसे किया, देखो ए को घटा दिया बी से, ए को देखो समझो, ए को तुम घटा दिया बी से और ए को तुम डाला 8, बी को डाला 5, तो आंसर आया 3 न्यूटन। ये तो बहुत आसान था, लेकिन एक्चुअली ये होता ही नहीं है, ये एक्चुअली होता ही नहीं, एक्चुअली क्या होता है देखो, ये होता है यूज एक्चुअली, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना कितना, अरे एंगल पूछ रहे थे 180। बोलेगा सर 180 कैसे, देखिए आप ये देख 8 न्यूटन ऐसे और इधर कितना है 5 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल चाहे ऐसे मेजर करो चाहे ऐसे मेजर करो, लेकिन अभी हम लोग को, अभी हम लोग को दीपक बताएगा कि हम लोग एंगल ऐसे लेंगे या फिर ऐसे लेंगे, हैं कैसे भी ले लें भाई, फिर गड़बड़ा दिया पूरा, कैसे ऐसे, हाँ एंगल हमेशा प्लस एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं ऐसे करके, तो ये एंगल कितना होगा 180। तो यहाँ पर थीटा कितना डाल दिया 180 डाल दिया, ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा कॉस 180 का वैल्यू गरीब लोग को पता नहीं होगा बाबू, कॉस 180 माइनस वन होता है, हाँ कॉस 180 माइनस वन होता है, तो यहां पर देखो ये कॉस 180 माइनस वन होगा, कॉस 180 माइनस वन होगा, तो यहां ये जो इसका माइनस वन होगा, माइनस वन ये यहां चल जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर ये आर स्क्वायर, अब ये स्क्वायर को इधर भेज दो तो आर बराबर कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये रूट यहां आ जाएगा, स्क्वायर से रूट मर गया तो क्या आएगा ए माइनस बी, भाई तो आया इस फॉर्मूला से, हालांकि तुमको बचपन में रटवा गया था कि ए माइनस बी, बोलेगा सर तो जरूरत क्या है जब ऐसा ही आसानी से हो जा रहा है, तो उसका रीजन है थोड़ा देर में भी मालूम चलेगा, 2 मिनट बाद, ठीक है 2 मिनट बाद मालूम चलेगा। तो ये अभी रिजल्टेंट क्या आ रहा है बाबू,
बोलेगा सर मिनिमम मिनिमम कहाँ आ रहा है, अरे देख भाई ये 8 था ये 5 था, घट के आया 3 जो कि दोनों से छोटा है ना, तो मिनिमम नहीं हुआ बताओ। अच्छा पिछले केस में 8 प्लस 5 कितना होता, हाँ बढ़ जाता पिछले केस में, लेकिन देखिए इस केस में घट रहा है इसलिए मिनिमम। तो यानी कि आर आया ए माइनस बी। किसी का ना आवाज आते रहता है एकदम बकैती करने का, किसी का तुम्हारा आवाज आ रहा था क्या बकैती का? वो नहीं बोल रहा था बाबू, तुम ही बोल रहा था, ठीक है चल इसको लिख 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 इसको, अजीब सा एकदम साउंड लगता है एकदम बहुत, बल्कि तुम्हारा आवाज मेरा आवाज से कोलाइड कर रहा है, ठीक है लिखो इसको। ये मिनिमम कैसे हुआ समझ में आया? तो मतलब थीटा 180 पे मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। चलो आगे देखो दोस्तों, केस थ्री देखो क्या है। पहले भाई कॉन्सेप्ट तो पढ़ ले, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े क्वेश्चन कैसे करेगा? देख केस थ्री ये है कि इस बार वही पुराना ब्लॉक है बाबू जिसका मास कितना है m, उसका मास कितना है m। अब मान लो हमको सामने से कोई ऐसे खींच रहा है बाबू, और इधर से खींच रहा है, इधर से ऐसे खींच रहा है, तो अब तो बाबू अब तो देखो पहले ऐसे ऐसे हो रहा था बाबू, और मान लो कि ऐसे दोनों सेम डायरेक्शन से खींचता तो ऐसे खींच जाते हैं, लेकिन इस बार कैसे ऐसे खींच रहा है बाबू, तो बड़ा अजीब हो गया डायरेक्शन जस्टिफाई करना कि हम किस तरफ जाएंगे, क्या उसी की तरफ जाएंगे डायरेक्टली? नहीं नहीं, क्योंकि देखो इस ऐसे खींचा जा रहा है हमको इस बार ऐसे, इस टाइप से समझो इसका मतलब। देखो देखो बता रहे, देखो यहां पर बोला गया कि इस ब्लॉक को यहां से पहुंचाना है इधर, इस ब्लॉक को यहां से पहुंचाना है इधर, तो किधर ढकेलना होगा? इस तरफ। तो यहां पर बाबू एक आदमी था, इसका नाम था बाबू अमन, क्या नाम था इस आदमी का? अमन। ये बाबू इधर फोर्स लगाया, ठीक है, मजदूर था है ना, गरीब मजदूर भिखारी आदमी था, तो इस तरफ बाबू फोर्स लगाया, इसका जो फोर्स था बाबू ये था 5 न्यूटन ये था बाबू 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है 5 न्यूटन का ऐसे फोर्स लग रहा था। और अब एक आदमी था, इसका नाम था बाबू बहादुर, एक आदमी था इसका नाम था बाबू बहादुर। अब बहादुर ठहरा एकदम भिखारी आदमी, कुछ नहीं आता था उसको। ये अमन बोला कि हमको मदद करो, हमको इसको उधर ढकेल के ले जाना है। अब ये ठहरा एकदम अनंत लेवल का भिखारी आदमी, ये क्या किया, इधर से फोर्स लगाने लगा ऐसे करके बाबू, ऐसे बोला कि ऐसे हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे तुम्हारा उधर आगे बढ़ जाएगा, उसके पास दिमाग था नहीं बाबू, ऐसे लगाने से आगे जाएगा बताओ, बल्कि और उसको कष्ट होगा आगे ले जाने में, समझ रहा है? ऐसे थोड़ी लगाना था, ऐसे साथ में लगा था उसके। तो अब एंगल कितना बन रहा है, देखो यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। देखो ये अमन का फोर्स ऐसे, और ये बाबू ऐसे बहादुर का फोर्स। तो अब बताओ कि ये जाएगा किधर, कौन है अब बताओ ये, हाँ अब बताओ ये जाएगा किधर बाबू, थीटा एंगल, अब बताओ ये किधर जाएगा बोलो। हाइट लंबा हुआ तो हाइट लंबा होने से क्या होगा? हम तो बोल रहे हैं बाबू ऐसे फोर्स लगा रहा है, नहीं डिस्टर्ब, देखो हम ये हम इसका बात नहीं कर रहे कि ये आगे गया कि नहीं गया, तुम ज्यादा डिस्टर्ब कर दे रही है, सब बोल गए, तुम मत बोलो। देखो जब ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लगा और ये ऐसे लगा, आगे बढ़ा नहीं बढ़ा उससे मतलब नहीं हमको है, नहीं हम ये बोल रहे हैं ना कि जैसे इसका जो 5 न्यूटन था ना ऐसे वाला, ये भी फेल कर जाएगा। बोलेगा ये फेल कैसे कर जाएगा भाई, ये ऐसे लगा और ये ऐसे ऊपर से लगाया, तो ये ले जाना चाह रहा है उस तरफ और ये धसाना चाह रहा है उसको नीचे, तो इसका अमन का फोर्स और बढ़ के कष्ट में पड़ जाएगा। अमन अगर अमन 100 न्यूटन भी लगा देना अब, तब भी ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से कौन लगा रहा है? बहादुर बाबू, जो कि एकदम गवार आदमी, ठीक है तुम्हारे जैसे, मतलब सॉरी, समझ गया ना ये मेरा बात? हाँ तो क्या क्या चीज तो ये ए अगर बड़ा भी हो गया ना बी से, तब भी मूव करने में इसको बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि बी वाला ऐसे लगा रहा है फोर्स, या ऐसे समझ लो कि बी वाला इसके ऊपर बैठ गया है, तब और मुश्किल हो गया ना, तब तो अमन को और फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ रहा है मेरा बात? तो इस केस में ये एंगल पता है तुमको, पता है ये एंगल कितना है? नहीं मालूम है, तो अब तुम ये फॉर्मूला यूज करेगा, आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों लगा रहा है, ढकेले जा रहा है दोनों, ढकेले जा रहा है। वो आदमी जो है बहादुर बाबू ऊपर भेज कैसे बैठ के ढकेल रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा? सवाल ही नहीं बनता है, क्या कर रहा है यार? अब ये देख थीटा को हम ले लिए इस बार 30 डिग्री। बोले आपको कौन बताया 30 डिग्री? ये आपको कौन बताया कि यहां 30 डिग्री बनेगा? ये सवाल में हमेशा दिया रहेगा कि दो फोर्सेस लग रहा है एक एंगल पे जो कि 30 डिग्री है, इंक्लाइंड एंगल जिसको बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में लिखा रहेगा इंक्लाइंड एंगल। इंक्लाइंड समझता है दोस्त? इंक्लाइंड मतलब दोनों एंगल के बीच में कुछ एंगल होगा, ये नहीं कि 0 डिग्री हो गया। पैरेलल बोला तो, पैरेलल बोला मतलब कि ये दोनों साथ में होगा,
और एंटी पैरेलल तो मतलब ये पीछे होगा, मतलब दोनों ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे वाला, ये एंटी पैरेलल और ये वाला हो गया पैरेलल, और कोई भी एंगल नहीं ऐसे तो वो क्या हो गया, इंक्लाइंड एंगल। समझ रहे हैं मेरे बात? चल ठीक, तो इस बार इसको कितना डालेगा भाई, 30। चल इसका वैल्यूज ले लेते हैं, ए का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं चलो 5 न्यूटन, और बी एक मिनट इसको तो चेंज किया था ना, हाँ नहीं चलो 5 न्यूटन ले लेते हैं, इसको 8 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब इस बार, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर भी होता था ना, तो स्क्वायर को इधर भेज देते तो रूट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से रूट अंडर ए का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू 5 × 8, और कॉस कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो हाँ कॉस 30 का वैल्यू √3 बाय 2, अच्छा वो बता दिया। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ये सब बहुत मज़ा आ रहा है ना, अभी थोड़ा देर बस, थोड़ा एक और स्टेप आने के, 8 का स्क्वायर होगा 64, और ये हो जाएगा 5 × 8 40, 40 × 2 = 80, तो 40 ही लिखेंगे हम नहीं मानेंगे हम। अरे यहाँ 2 था तो cos 30 का वैल्यू √3/2 हुआ, और यहाँ भी 2 था तो 2 कट गया, तो बचेगा ना ये, ठीक। अब इसको ऐड करके कितना होगा, ये तीनों को ऐड करके बताओ कितना हो रहा है, 89 प्लस 40 √3, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ √3 का वैल्यू मालूम है कि नहीं, √3 का वैल्यू मालूम होता है 1.73, ये √3 का वैल्यू डालना और इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर चलो लिखते हैं 89 प्लस 40 इंटू 1.73 कितना हो रहा है, सॉल्व करके देखो, तो कैलकुलेटर से ज़रा देखो बाबू, बताओ ज़रा कितना हो रहा है, ठीक है। मोबाइल अब इतना देर से निकालेगा, उससे अच्छा मेरे पास मोबाइल है। ये हो जाएगा 89, इतना डिफ़िकल्ट डेटा ऐसे नहीं आएगा, डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये, कितना आ रहा है 40 × 1.73 प्लस 89 158.2, है ना, रूट अंडर 158.2। ये सब क्यों कर रहे हैं कैलकुलेशन, तुमको एक चीज इंपॉर्टेंट बताना है उसके लिए, ठीक है, कुछ जरूरी बताना है इसलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। हालांकि हमको थोड़ा आसान डेटा लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसी से करते हैं हम लोग 158.2। तो ये आ रहा है बाबू 12.5, नियरली कितना आ रहा है ये 12.5, और यूनिट क्या होगा इसका, फोर्स है ना ये सब, तो यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन, ठीक है। कितना होगा ये आंसर हुआ, तो रिजल्टेंट अब कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका रूट, इसको कैलकुलेट किए, इसको कैलकुलेट करने के बाद रूट लिए तो ये आया, देखो तो आ रहा है उतना रूट लेके, देख लो कैलकुलेशन मिला लो, ठीक है, कितना आ रहा है, सही आ रहा है ना, ठीक। तो कितना आया 12.5 न्यूटन आया, ये कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। अब समझो जरूरी बात, कष्ट ये इतना क्यों ये सब पढ़ाया जा रहा है, समझो। अगर कोई रहता है एकदम गवार आदमी जिसको वेक्टर कुछ नहीं आता बाबू, वो देखता है अच्छा ए का वैल्यू कितना है, देखता है ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू कितना है 8, तो 5 + 8 लिखता आंसर कितना रिजल्टेंट का, 13 न्यूटन, जो कि गलत है, आंसर कितना होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एंगल अलग है बाबू, एंगल अलग है। अच्छा तुम अभी इस केस में ये तो समझ गया कि अलग आया, तो मतलब ये फॉर्मूला अलग ही है, जब भी निकालो दो फोर्सेस के बीच का आंसर तो इससे निकालो, ना कि डायरेक्ट ऐड करो, ऐड नहीं करना डायरेक्ट, ये नहीं करना है, इससे करना है, और एंगल के साथ, एंगल के साथ, क्योंकि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको ऐसे आलू प्याज के जैसे नहीं जोड़ते बाबू, 5 किलो + 10 किलो + 15 वैसे नहीं करते बाबू, ऐसे जोड़ते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एंगल, मतलब विथ एंगल, सॉरी। तो ये समझ में आया होगा ये एडिशन, अब समझो मेरा जरूरी बात, एक इसमें अभी भी अधूरा इन्फॉर्मेशन है, बोलेगा क्या डायरेक्शन, एग्जैक्टली ये ऐसे लगाया बी और ये लगाया ऐसे ए, तो आंसर कितना आ रहा है दोनों का 12.5, निकाल के बताएं कैसे आया, लेकिन किधर, किधर 12.5, देख हमको ये एक जन ऐसे खींच रहा है, एक जन ऐसे खींच रहा है, तो 12.5 हम उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उसके तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसका डायरेक्शन कहाँ है, हैं? तो इसका डायरेक्शन बोलेगा सर कहीं बीच में होगा, अरे तो बीच में कहाँ, बीच में ऐसे होगा या ऊपर की तरफ होगा, ये बड़ा दिक्कत वाला बात, बोलेगा सर पीछे दिक्कत नहीं था ये, नहीं नहीं पीछे दिक्कत नहीं था, बोले क्यों, देखो ये ए ऐसे था और बी ऐसे था, तो रिजल्टेंट भी कहाँ होगा, उधर ही होगा, मान ले ए ऐसे और बी ऐसे, अब बता रिजल्टेंट किधर होगा, एक बार बाबू यही वाला हम पढ़ा रहे थे
और हम बोले ए ऐसे बी ऐसे, तो बताओ रिजल्टेंट कहाँ होगा। ट्वेल्थ में ये बता रहे थे, ट्वेल्थ में जरूरत पड़ता है इसका। तो हम बोले ए ऐसे बी ऐसे, तो बताओ फोर्स कहाँ होगा। तो एक लड़की बोलती है सर इधर उधर, मतलब दोनों तरफ उसके हिसाब से। भाई दोनों में से उसके तरफ होगा जो बड़ा होगा। तो बड़ा जैसे पिछले बताए थे, मान लीजिए ए बड़ा है तो हम उस तरफ चल जाएंगे। मान लो बाबू एंजल प्रिया का इधर फोर्स है, वो बड़ा है, तो हम उधर चल जाएंगे। तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा? उसके तरफ। समझ रहे हैं मेरे बात? लेकिन इस केस में बताना पॉसिबल है डायरेक्शन है? नहीं है। क्योंकि इस केस में देखो कैसे हो रहा है, इस केस में देखो यहां पर फिर से बना रहे हैं, एक ऐसे है बाबू और एक ऐसे है, तो हम किधर जाएंगे मालूम ही नहीं। इसीलिए हम लोग को पढ़ना है बीटा के बारे में। किसके बारे में? जो थोड़ा देर बना के छोड़ दिए थे। वो बीटा ये डिसाइड करेगा कि ये जो हम लिख रहे हैं रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन किधर होगा। बीटा, व्हाट इज बीटा? बीटा एक ऐसा चीज है ना, इसका वैल्यू तो मालूम चलिए जा रहा है, लेकिन इसका दिशा, दिशा मतलब लड़की नहीं बाबू, दिशा मतलब डायरेक्शन किधर है वो बताएगा। कौन बताएगा? बीटा। तो बीटा के बारे में पढ़ना है, पहले इसको लिख लो। यूज समझ में आया इस फॉर्मूला को क्यों यूज करते हैं? ठीक है, लिख लो इसको। ये हुआ किसी भी एंगल का, एट एनी एंगल। पिछले केस में था 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये एट एनी एंगल। ये मैक्सिमम है कि मिनिमम? दोनों में से कोई भी नहीं, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। ठीक है, मीडियम क्या होता है? मीडियम कुछ नहीं होता। चल लिख ले इसको, ये जनरल वैल्यू है। तुम लोग गंदा आवाज मत निकाला बाबू। देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखो जो कंटेंट लिखा हुआ था ना, कंटेंट लिखा हुआ था वीडियो स्टार्ट, सॉरी मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले बाबू जो कंटेंट लिखा हुआ था उसी के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे? डायरेक्शन ऑफ आर। अरे आर मतलब समझ रहा है कि नहीं? आर मतलब क्या? रिजल्टेंट मतलब हम किस तरफ हम जाने वाले हैं। फाइनली दो लोग मिलकर खींचेगा कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, किसी भी रैंडम एंगल पे। यह हो सकता है बाबू ऐसे, उधर ऐसे, इस टाइप से ऐसे, इधर खींच रहा है इधर, ऐसे खींच रहा है, किधर जाएंगे भाई? समझ रहा है? तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, तुमको समझ में आ रहा क्या बताने चाह रहे हैं हम? ठीक है, अभी देखना ध्यान से। हम लोग अभी यहाँ पर ये ऐसे ए लिए थे, या बी भी ले सकता है इसको, चलेगा, ए ले लेते हैं, बी जो भी मन में है ले लो। इसको हम अभी ए ले रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे करके रिजल्टेंट आर लिए थे, और यहाँ पर फिर ऐसे करके इसको क्या ले लेते थे? ये फिगर याद आ रहा है? ये किसका फिगर है? ट्राइंगल का। पैरेललोग्राम भी हो सकता है अगर यहां पर ऐसे बना लो तो। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल कितना होगा? थीटा। बस गलत बोल दिया, थीटा नहीं होगा, बीटा होगा, बीटा होगा। अब देखना ध्यान से, समझना थोड़ा, बीटा का कॉन्सेप्ट समझना। ये बी ऐसे बनाए थे, इस बी को अगर हम लोग यहां शिफ्ट करेंगे तो यहां पहुंच जाएगा बी ऐसे करके, ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। अब ये पूरे के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब समझना मेरा बात एक ध्यान से, बड़ा जरूरी, ये देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो रिजल्टेंट बीच में है, बीच में कहां है? बीच में कहां है? बोलेगा सर बीच में, कहां बीच में?